बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पारा नंबर 27 का उर्दू तर्जमा सूरह तूर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कोहे तूर की कसम और इस किताब की जो लिखी हुई है कुशादा वर्क में और आबाद घर की, ऊंची छत की और जोश मारते समंदर की, और तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक्या होकर रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। जिस दिन आसमान लरजने लगेगा कप कपा कर और पहाड़ सचमुच उड़ने लगेंगे, तो उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन उनको आतशे जहन्नम की तरफ धकेल ले जाएंगे और कहा जाएगा यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ कहते थे। और तो क्या ये जादू है, क्या तुमको नज़र ही नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसा है। जो काम तुम किया करते थे ये उन्हीं का तुमको बदला मिल रहा है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नेमतों में रहेंगे। जो कुछ उनके परवरदिगार ने उनको बख्शा उसकी वजह से वो खुशहाल होंगे और उनके परवरदिगार ने उनको दोजख के अजाब से बचा लिया। कहा जाएगा कि अपने अमाल के सिले में मज़े से खाओ और पियो। तख्तों पर जो बराबर बराबर बिछे हुए हैं तकिया लगाए हुए होंगे और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी राह ईमान में उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे और उनके अमाल में से जो कुछ भी है वो उनमें से कम ना करेंगे। हर शख्स अपने अमाल में फंसा हुआ है और जिस तरह के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उनको अता करेंगे। वहाँ वो जामे शराब की छीना झपटी करेंगे जिसके पीने से ना कोई लागो बात होगी और ना कोई गुनाह का काम होगा। और नौजवान जो खिदमतगार जो ऐसे होंगे जैसे छुपाए हुए मोती जो उनके आसपास फिरेंगे और एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में गुफ्तगु करेंगे। कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर में अल्लाह से डरते रहते थे तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और दोज़ख की गर्म हवा से के अज़ाब से हमें बचा लिया। इससे पहले हम उसे पुकारा करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला है, मेहरबान है। तो ऐ पैगंबर, तुम नसीहत करते रहो तो अपने परवरदिगार के फजल से ना तो तुम काहन हो ना दीवाने हो। क्या काफिर ये कहते हैं कि ये शायर है और हम इसके लिए ज़माने की गर्दिश का इंतज़ार कर रहे हैं? कह दो कि इंतज़ार किए जाओ, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करते हैं। क्या उनकी अकलें उनको यही सिखाती हैं या ये लोग हैं ही शरीर? क्या कुफार ये कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान आज खुद बना लिया है? बात यह है कि ये अल्लाह पर ईमान ही नहीं रखते। अगर ये सच्चे हैं तो ये भी ऐसा काम कलाम बना कर ले आएं। क्या ये किसी के पैदा किए बगैर पैदा हो गए थे या ये अपने आप को खुद पैदा करने वाले हैं या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है? नहीं, बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते। क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार के खजाने हैं या ये कहीं के दरोगा हैं? या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं? तो जो सुनकर आता है वो खुली सनद लेकर आए। क्या अल्लाह की तो हों बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? ऐ पैगंबर, क्या तुम इनसे मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है? या उनके पास गैब का इल्म है कि उसे लिख लेते हैं? क्या ये कोई दाव करने वाले चाहते हैं? तो काफिर तो खुद दाव में आने वाले हैं। क्या अल्लाह के सिवाय इनका कोई मबूद है? अल्लाह तो उनके शरीक बनाने से पाक है। और अगर ये आसमान का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये तो तय बतय बादल है, बस उनको छोड़ दो यहाँ तक कि ये इस रोज़ का ऐसा मान कर ले जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे। जिस दिन का उनका कोई दाव किसी भी काम ना आएगा और ना उनको कहीं से मदद मिलेगी। और जालिमों के लिए उसके सिवा और भी अज़ाब हैं लेकिन उनमें अक्सर ये नहीं मानते। तो तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो। तुम तो हमारी आंखों के सामने हो और जब उठा करो तो अपने परवरदिगार की तारीफ व तस्वीह बयान किया करो। और रात के बाद औकात में भी और सितारों के ग्रुप होने के बाद भी उसकी तस्बीह किया करो। सूरह तूर ख़त्म हुई है और पारा नंबर 27 जारी है। सूरह नजम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सितारे की कसम, जब गायब होने लगे कि तुम्हारे रफीक यानी हमारे नबी ना रास्ता भूले हैं ना भटकते हैं और ना ये ख्वाहिश नफ्स से कुछ पूछ बोलते हैं। ये कुरान तो एक वही है जो उनकी तरफ भेजी जाती है, उनको नहायत कुव्वत वाले ने सिखाया यानी जिब्राइल ने, जो ताकतवर हैं।
हाँ, फिर वो पूरी तरह बैठे और जबकि वो आसमान के ऊंचे किनारे पर थे, फिर वो करीब हुए, फिर मजीद नीचे आ गए तो वो दो कुमान के फासले पर हो गए या इससे भी कम। फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो हुक्म भेजा सो भेजा, और जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उसको झूठ ना जाना। क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम इसमें नहीं झगड़ते? और उन्होंने उसको यानी जिब्राइल को एक और बार भी उतरते देखा सिदरतुल मुंतहा के पास। इसी के पास हमेशा रहने की बहिश्त है, जबकि इस बेरी पर छा रहा था जो छा रहा था। इनकी आंख ना तो और तरफ मायल हुई ना हद से आगे बढ़ी, और उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत की बहुत सी बड़ी बड़ी निशानियां देखी। भला तुम लोगों ने लात और अज़ा को देखा और तीसरी मूर्ति यानी मनात को? मुशरिको, क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हों और अल्लाह के लिए बेटियां? ये तो बहुत ही बेइंसाफी की तकसीम है। वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उन तो उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की, और ये महज ख्यालो गुमान और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं। हालांकि उनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास हदायत आ चुकी है, क्या जिस चीज़ की इंसान आरजू करता है वो उसे ज़रूर मिलती है? सो आखरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है, और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फ़ायदा नहीं देती, मगर इस वक्त के अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाज़त बख्शे और सिफारिश पसंद भी करे। जो लोग आखरत पर ईमान नहीं लाते वो फरिश्तों को लड़कियों के नाम से मासूम करते हैं, हालांकि उनको इसकी कुछ खबर नहीं। वो सिर्फ ख्याल और गुमान पर चलते हैं, जबकि उनके ख्याल और गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आते। तो जो हमारी याद से रूगरदानी करे और सिर्फ दुनिया ही की ज़िंदगी का ख्वाहा हो, उससे तो तुम भी मुंह फेर लो, और उनके इल्म की यही इंतहा है। तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया, और उससे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चला। और जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, सब अल्लाह ही का है, और उसने खलकत को इसलिए पैदा किया कि जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको उनके अमाल का बदला दे, और जिन्होंने नेकियां की उनको नेकी का बदला दे। और जो सगीरा गुनाहों के अल्लाह सिवा बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इजतनाब करते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है और तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे, तो अपने आप को पाक साफ ना जताओ। जो परहेजगार है वो इससे खूब वाकिफ है। भला तुमने इस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया फिर हाथ रोक लिया? ये उसके पास गैब का इल्म है कि वो इसे देख रहा है। क्या जो बातें मूसा के सहीफ़ों में हैं उनका कोई खबर नहीं पहुंची? और इब्राहिम के सहीफ़ों की, जिन्होंने हक अतात और रसालत पूरा किया? और ये कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा? और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है? और ये कि उसकी मेहनत का जायज़ा लिया जाएगा, फिर उसको उसका पूरा बदला दिया जाएगा? और ये कि तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुंचना है? और ये कि वो हंसना और रुलाना है, हंसाता और रुलाता है? और ये कि वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है? और ऐ परवरदिगार, ये तो वही दोनों जोड़े यानी नर और मादा पैदा करता है, यानी नुतफे से जो रहम में डाला जाता है। और ये कि क़यामत को दोबारा उठाना इसी का ज़िम्मा है। और ये कि वही दौलतमंद बनाता है, वही मुफलस करता है। और ये कि वो शेरी नामी तारे को भी मालिक है जो कि ज़्यादा चमकने वाला है। और ये कि उसी ने आदे अव्वल को हलाक कर डाला और समूद को भी गरज किसी की को बाकी ना छोड़ा। और इनसे पहले जो नूह की कौम थी बे कुछ भी नहीं किया, वो लोग बड़े ही जालम और बड़े ही सरकश थे, इसीलिए उल्टी हुई बस्तियों को दे पटका, फिर उन पर जो चीज़ छा गई सो छा गई। तो आ इंसान, तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत पर झगड़े करोगे? ये पैगंबर भी पहले के खबरदार करने वालों में से एक खबरदार करने वाले हैं। आने वाली यानी क़यामत करीब आ पहुंची, उस दिन की तकलीफ़ों को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकेगा। ऐ काफिरों, क्या तुम इस कलाम पर ताजुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं? और तुम गफलत में पड़े हो तो अल्लाह के आगे सजदा करो और उसकी इबादत करो। सूरह कमर शुरू होती है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये एक पहले से चला आता जादू है। और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की
और हम हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनको ऐसे वाक़यात की खबर पहुंच चुकी है जिनमें इबरत है और कामिल दानाई की किताबें भी, लेकिन डरावे उनको कुछ फ़ायदा नहीं देते, तो तुम भी उनको कुछ परवाह ना करो। जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नागवार चीज़ की तरफ बुलाएगा, फौरन उनके नीचे की हुई कब्रों से निकल पड़ेंगे गोया बिखरी हुई टिड्डियाँ हों। इस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाएंगे और काफिर कहेंगे ये दिन बड़ा सख्त है, और इनसे पहले नूह की कौम ने भी तकदीब की थी तो उन्होंने भी हमारे बंदे को जुटलाया और कहा कि दीवाना है, और इन्हें डांटा भी गया, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इनके मुकाबले में कमज़ोर हूँ, बस तू ही बदला ले ले। बस हमने जोर के हमी से आसमान के दहाने खोल दिए और ज़मीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम घर के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया, और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया, वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ इस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे, और हमने इस कश्ती की को एक निशानी बना छोड़ा, तो कोई है कि सोचे समझे। सो देखो मेरा अजाब और डरावना कैसा हुआ, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है कि कोई है कि जो सोचे समझे। कौम आद ने भी तकजीब की थी, सो देख लो कि मेरा अजाब और डरावना कैसा हुआ, हमने उन पर एक रहती नहुसत के दिन में ज़बरदस्त आंधी छोड़ दी, वो लोगों को इस तरह उखेड़े देती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने, देख लो मेरा अजाब और डरावना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो सोचे समझे। कौम समूद ने भी खबरदार करने वालों को जुटलाया, तो कहा भला एक आदमी जो हम ही में से है, हम उसकी पैरवी करें, यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए, क्या हम सब में से इसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा और बड़ाई मारने वाला है, इनको कल ही मालूम हो जाएगा कौन झूठा बड़ाई मारने वाला है। ऐसा ले हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, तो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो, और उनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना है। तो इन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया और उनसे ऊँटनी को पकड़ लिया, फिर उसे मार डाला। सो देख लो मेरा अजाब और डरावना कैसा हुआ, हमने उन पर अजाब के लिए एक ज़ोर की आवाज़ भेजी, तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की चूरा चूरा हो जाने वाली बाढ़ होती है। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो सोचे समझे। लूत की कौम ने भी सुनाने वाले को झुटलाया था, तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चला दी, मगर लूत के घर वाले को हमने उनके पिछली रात के वक्त बचा लिया। अपने फजल से शुक्र करने वालों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरवा दिया, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरा अजाब और डराने वाला है, इसके मज़े चखो। और इन पर सुबह सवेरे ही ठहर जाने वाला अजाब आ नाजल हुआ, तो अब मेरे अजाब और ड्रामों से मज़े चखो। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है जो सोचे समझे। और कौम फिरौन के पास भी डर सुनाने वाले आए थे, उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को जुटलाया, तो हमने उनको इसी तरह पकड़ लिया जिस तरह एक बहादुर गालिब शख्स पकड़ लेता है। अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए पहली किताबों में अजाब से कोई छुटकारा लिख दिया गया है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है? अनकरीब ये जमात शख्स का शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर 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 कर भाग जाएंगे। असल में उनके वादे का वक्त तो क़यामत है, और क़यामत बड़ी सख्त और बड़ी तलख होगी। बेशक गुनाहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुबतला हैं, इस रोज़ के बल दोजख में घसीटते हुए जाएंगे, और कहा जाएगा लो अब आग का मज़ा चखो, हमने हर चीज़ मुकर्रर वक्त तक के साथ मुकर्रर कर दी, पैदा की हुई है, और हमारा हुक्म तो आँख से झपकने की तरह एक बात होती है, और हम तुम्हारे हम मजहबों को हलाक कर चुके हैं, तो कोई है कि जो सोचे समझे। और जो कुछ उन्होंने किया उनके अमाल नामों में दर्ज था, यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख लिया गया। जो परहेजगार हैं वो बागों में और नहरों में रहेंगे, यानी सच्ची बैठक में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में। सूरह अल कमर यहाँ ख़त्म होती है, 27वां पारा जारी है। सूरह अल रहमान शुरू अल्लाह के नाम से जुड़ा जो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, वो नहायत मेहरबान है। उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक वक्त मुकर्रा से चल रहे हैं,
और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम कर दी कि इस मीज़ान में हद से तजावज ना करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, उसी में मेवे और खजूर के दरख्त में जिनके खोशों में गुलाब होते हैं और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल। तो ऐ ग्रो जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इसी ने इंसान को ठीकरे किसी खन खनाती हुई मट्टी से पैदा किया और जन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? वही दोनों मशरकों और मगरबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इसी ने दो दरियाओं को आपस में रवां किया जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावज नहीं कर सकते, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? और इन दो दरियाओं से मोती और मोंगे निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? और जहाज़ भी इसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? जो मखलूक ज़मीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की ज़ात जो साहिब जलाल व करम है बाकी रहेगी, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं सब इसी से मांगते हैं, और हर रोज़ किसी ना किसी काम में होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? ऐ दोनों जमातों हम अनकरीब, ऐ दोनों हम जमातों हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मतवजो होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? ऐ ग्रोह जिन्नोंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमानों और ज़मीन के किनारे से निकल जाओ तो निकल जाओ, जोर के सिवा तो तुम निकल सकते नहीं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला ना कर सकोगे, तुम तो अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? फिर जब आसमान फटकर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? तो उस रोज़ ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी ना किसी जिन से, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग जुटलाते थे, वो दोजख वो खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इनमें से दो मेवे दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हों तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे होंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इनमें नीची निगाहों वाली औरतें होंगी जिनको अहले जन्नत से पहले ना किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा ना किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? गोया वो याकूत और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इनमें मेवे खजूरें और अनार हैं, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? और वो हूरे जो खेमों में महफूज हैं, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? उनको अहले जन्नत से पहले ना किसी इंसान ने हाथ लगाया ना किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? सब्ज़ कालीनों नफीस मसनदों पर दकिये लगाए बैठे होंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल व करम है, इसका नाम बड़ा बरकत है। सूरह अल रहमान ख़त्म हुई।
27वां पारा भी जारी है। सूरह वाक्या शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब वाक्या होने वाला वाक्या हो जाए उसके वाक्या होने में कुछ झूठ नहीं। किसी को पस्त करने को बुलंद करने वाली जब ज़मीन भूचाल से लरजने लगे, पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाए, फिर गुबार होकर उड़ने लगे और तुम लोग तीन किस्म के हो जाओ, तो दाहने हाथ वाले क्या कहने दाहने हाथ वालों के, और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं, और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना, जो आगे ही बढ़ने वाले हैं वही अल्लाह के मुकर्रब हैं। नेमत की बहिश्तों में बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद वालों में होंगे। लाल और याकूत वगैरह से जड़ाव तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे उनके पास फिरेंगे, यानी आब खोरे आफ्ताबे साफ शराब जाम ले लेकर। इनसे ना तो सर में दर्द होगा ना उनकी अकलें ज़ाया होगी। मेवे जिस तरह के इनको पसंद हों, परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे, बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरे जैसे हिफाजत से रखे हुए आबदार मोती, ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। वो ना बेहुदा बात सुनेंगे ना गाली गलौज। हाँ, इनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाहिने हाथ वाले क्या कहने दाहिने हाथ वालों के, वो बेकांटों की बेरियों तय बताए केलों और लंबे लंबे सायों बहते पानियों के चश्मे बहुत से मेवों के बाग में होंगे, और जो ना कभी ख़त्म हो ना ही कभी रोक नोक जोंक रोक टोक होगी, और ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे। हमने उनके लिए हूरों को पैदा किया तो उनको कमारी बनाया, शोहरों की प्यारी हम उम्र। दाने हाथ वालों के लिए बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे, बहुत से बाद वालों में से होंगे, और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब है उनके लिए, यानी दोजख की लिपट और खोलते हुए पानी और स्याह धुएं के स्याह बादल, और जो ठंडा होगा और जो ना खुशनुमा, ना ठंडा होगा ना खुशनुमा। जो लोग इससे पहले आज में पड़े हुए थे, बड़े गुनाह यानी कुफर पर अड़े हुए थे और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए, मिट्टी हो गए, हड्डियां ही हड्डियां हो गए, तो क्या हम फिर उठना होगा हमें, क्या हमारे अगले बाप दादा को भी? कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोज़ मुकर्रर वक्त के लिए जमा किए जाएंगे। फिर तुम इसे जुटलाने वाले गुमराह हो तो थोहर के दरख्त से खाओ, फिर इसी से पेट भरो, फिर इसी पर खौलता हुआ पानी, फिर पियो के भी इस तरह जैसे प्यासे ऊंट होते हैं। इंसाफ के दिन उनकी ज़ियाफ़त होगी। हमने उनको पहली बार भी तो पैदा किया था तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस रुतबे को तुम डालते हो, क्या तुम से इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के लोग और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुम उनको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। तो तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली, फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो जो कुछ तुम बोलते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं? भला देखो तो जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें, सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए, बल्कि हम बदनसीब रह गए। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र कहें क्यों नहीं करते? भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने इस दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं? हमने उसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया। तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो। सो हमें सितारों की मंजिलों की कसम, अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। क्या तुम इस कलाम के मानने में देर करते हो या अपना वजीफा ये बनाते हो कि ये उसे जिटलाते रहते हो? फिर जब जान गले तक आ पहुँचती है तो उस वक्त की हालत को देखा करते हो। हम उसे मरने वाले के तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं लेकिन तुमको नज़र नहीं आता। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते? फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रबों में हुआ तो उसके लिए आराम और रोज़ी और नेमत के बाग होंगे, और अगर वो दाएं हाथ वालों में हुआ तो कहा जाएगा
कि तुझ पर दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम, अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में हुआ तो उसके लिए खौलते हुए पानी की ज़ियाफ़त होगी और अब जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और बात वाकई यकीनी है। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अज़ीम के नाम की तस्बीह करते रहो। सूरह वाकया ख़त्म होती है और पारा 27वां जारी है, सूरह अल हदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मखलूक आसमानों और ज़मीन में है, अल्लाह की तस्बीह करती है। वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है। वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही अव्वल, वही आखिर और बाद अपनी कुदरतों से सब जाहिर और फिर भी पोशीदा है और हर चीज़ को खूब जानने वाला है। वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और फिर अर्श अज़ीम पर जलवा अफरोज़ हुआ। जो हर चीज़ में, जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती है और जो इससे निकलती है, जो आसमान से उतरती है, जो इसमें चढ़ती है, सब उसको मालूम है। तुम जहाँ कहीं भी, वो तुम्हारे साथ होता है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है और सब मामलात उसी की तरह रजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेद तक वाक़ से वाकिफ़ है। लोगों, अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नायब बनाया है उसमें खर्च करो। अब जो लोग तुम में से ईमान लाए और ईमान माल खर्च करते रहे उसके लिए बड़ा सवाब है। और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ। अगर तुमको यकीन हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़े आयते नाजल फरमाता है ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर नहायत शफकत करने वाला मेहरबान है। और तुमको क्या हुआ कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमान और ज़मीन की विरासत अल्लाह ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फ़तेह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की वो और जिसने ये काम बाद में किए वो बराबर नहीं। इनका दर्जा उन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में माल खर्च किए और कुफार से जंग की। और अल्लाह ने सब ही के लिए सवाब और नेक वादा किया। जो काम करते हो अल्लाह सबसे वाकिफ़ है। कौन है जो अल्लाह को नेक नीति से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अता करे और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत दे। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे, उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे दाहिनी तरफ चल रहा होगा, तो इनसे कहा जाएगा तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और तुम उनमें हमेशा रहोगे। यही बड़ी कामयाबी है। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारे लिए इंतज़ार करो कि हम भी तुम्हारे और रोशनी हासिल की तरह रोशनी हासिल करें। इनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, बस वहाँ नूर तलाश करो। फिर उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा, जो उसकी जानब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है और जो बैरूनी जानब है उसे अजाब है। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बिला में डाला और हमारे लिए गर्दिश ज़माना के मुंतज़िर रहे। और इस्लाम में शक क्या, फजूल आरज़ुओं ने तुमको धोखे में डाले रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा और अल्लाह के बारे में तुमको वो शैतान बड़ा फरेब देता रहा। तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा, ना काफरों इसे कबूल किया जाएगा। तुम सबका ठिकाना दोजख है, वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है। क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के बाद के वक्त कुरान, जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है, उसके सुनने के वक्त उनके दिल नरम हो जाएं और वो लोगों की तरह ना हो जाएं, जबकि उनको पहले से किताबें दी गई थीं। फिर इन पर तवील अरसा गुजरा तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान थे। जहाँ जान रखो कि अल्लाह ही ज़मीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियाँ तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, अल्लाह को नेक नियति से कर देते हैं, उनको कई गुना अदा किया जाएगा, उनके लिए इज्जत का सिला है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए, यही अपने परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं, उनके लिए उनके अमाल का सिला होगा, उनके ईमान की रोशनी भी होगी। जिन लोगों ने कुफर किया, हमारी आयतों को जुटलाया, वो अहले दोजख हैं। जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल और तमाशा है। जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फ़ख्र और सताइश और मालो औलाद की
एक दूसरे से ज्यादा तलब व ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि बारिश से उगने वाली खेती के किसानों को भली लगती है, फिर वो खेती खूब जोर पर होती है, फिर वो उसे देखने वाले तो उसको देखता है और पक कर जर्द होती है, फिर पूरा पूरा चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद है। मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश है और खुशनुदी है और दुनिया की ज़िंदगी को धोखे का सामान है। बंदा अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको, और जिसका अर्ज आसमान और ज़मीन के तूल अर्ज के सका सा है, और वो इन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए। अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। कोई मुसीबत ज़मीन में और ख़ुद तुम पर नहीं पड़ती मगर बेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई होती है। ये काम अल्लाह को आसान है ताकि जो फ़ायदा तुम्हें हासिल ना हो सका उसका गम ना खाओ, और जो तुम उसको दिया गया उस ना तराया करो। और अल्लाह किसी तराने वाले से ही बिगाड़ने वाले को दोस्त नहीं है, उसको दोस्त नहीं रखता। और ख़ुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं, और जो शख्स रुगज़दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है और लायक हम्द व सना है। हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और इन पर किताबें नाजिल की और मीज़ान अदल ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें, और लोहा पैदा किया कि इसमें असलहा जंग का लिहाज से ज़ोर भी बहुत है और लोगों के लिए फ़ायदा भी है, इसलिए कि जो लोग बिन देखे अल्लाह और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं अल्लाह उनको मालूम हो कि बेशक अल्लाह ज़ोरावर है गालिब है। और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा, सो बाज तो इनमें से हदायत पर हैं और अक्सर इनमें नाफरमान हैं। फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा, उनको इंजील अनायत की, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी, और तर्क दुनिया वाली नई बात खुद उन्होंने निकाल ली, और हमने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था, उन्होंने अपने ख्याल में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने आप ही ऐसा कर लिया था। फिर जैसा उनको निभाना चाहिए था निभा भी ना कर सके, हाँ बस जो अल्लाह उनमें ईमान लाए उनको हमने उनका अजर दिया। और इनमें बहुत से नाफरमान हैं। मोमिनों, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ और वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे, और तुमको बख्शिश देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते, और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। यहाँ सूरह अल-हदीद ख़त्म होती है। इसके साथ ही पारा नंबर 27 भी अहतमाम को पहुँचा, और इसको आप सुनिए क्योंकि रवानी में गलती मुमकिन है, आखिर इंसान है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।